लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवकों के नीचे सदन में कूदने की घटना के बाद नागपुर में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलिम गोरे के आदेश पर विधान भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर फिर लालू नीतीश को जिम्मेदार ठहराया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्हें कोई शर्म नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुझा हुआ बल्ब करार देते हुए कहा कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। देश की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया है। जिला अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री व कद्दावर ओबीसी मंत्री ओबीसी नेता छगन भुजबल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें गोली मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह बात बुधवार को विधानमंडल में चल रहे शीत सत्र के दौरान मराठा आरक्षण पर चर्चा के दौरान कही। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में एक विवाहिता के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसकी आंखें गायब होने के मामले में बुधवार को अन्य परीक्षण करने वाली टीम के दो प्रमुख डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 133 साल पुरानी पानी की टंकी का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट का रहा। इसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। राज्य के डीसीएम व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि बढ़ते साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए नई पुलिस भर्ती के 1000 जवानों को प्रशिक्षित कर ई फोर्स बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षित कर्मी साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए कार्य करेंगे।